तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज टू का लाइव डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज टू में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको ऑन वन पेज पहले बता देता हूँ और उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट्स यूज करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि सारे कॉन्सेप्ट काफी बेसिक है। दिस इज योर एक्सरसाइज टू और ये है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में जो आपको यूज करने कॉन्सेप्ट्स वो लिमिट्स के बेसिक स्टैंडर्ड है। तो लिमिट के जो बेसिक स्टैंडर्ड अभी तक आपको नहीं मैंने बताए वो है एक लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a विच इज इक्वल टू n a n माइनस 1। एक बच्चों ये अभी मैंने आपको नहीं बताया, अब मैंने बता दिया। अगेन लिमिट एक्सटैंडिंग टूवर्ड जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसका आंसर होता है बच्चों लॉग बेस ई ए, या इसको हम लोग एल एन ए भी लिख सकते हैं। एल एन का मतलब उसका बेस ई होता है ऑटोमेटिक। अगेन बच्चों लिमिट एक्सटैंडिंग टूवर्ड्स जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये वैल्यू बच्चों होती है वन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो मेजर स्टैंडर्ड यूज होते हैं वो ज्यादातर यही होंगे जो मैंने आपको लिख के बताया, बाकी सब आप जानते हैं पहले से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे देखते ही खत्म हो गया होगा क्योंकि इसके स्टैंडर्ड आप पहले से जानते हैं। क्या आया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एनीवन? आपने कहा होगा सर फर्स्ट क्वेश्चन बाय टू। यस, तो आपने इसमें स्टैंडर्ड को क्रिएट करने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड किया ऊपर नीचे, उसके बाद फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री, अगेन यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, उसके बाद बच्चों ये स्टैंडर्ड जनरेट हो गया टैन एक्स अपॉन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, द आंसर इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो बच्चों ये इसका आंसर है 3/2। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए। मुझे ये भी एकदम बेसिक लिमिट है। लॉग की प्रॉपर्टी आप सभी लोग पहले से भी जानते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और लॉग पे बेस जो स्टैंडर्ड होता है बच्चों वो मैं आपको बता देता हूं, वो होता है लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू होती है बच्चों वन। लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू होती है बच्चों वन। याद रखिएगा लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, दिस वैल्यू इज वन। और बच्चों अगर आप क्वेश्चंस को दूसरे कॉन्सेप्ट्स यूज करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल यूज करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको मौके पे स्टैंडर्ड्स ज्यादा अच्छे से ना याद हो। तो एल हॉस्पिटल रूल बच्चों ये कहता है कि अगर आप किसी भी लिमिट में एक्स की वैल्यू डायरेक्टली जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने पर 0/0 फॉर्म बन जाए। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स की जगह अगर हम जीरो पुट करते हैं इसमें, तो ऊपर आता है लॉग थ्री माइनस लॉग थ्री और नीचे है एक्स, यानी कि 0/0 फॉर्म क्रिएट होगा। तो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ये कभी भी अगर क्रिएट होता है तो वहां पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल या लॉपिटल रूल जो भी आप कहते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपको न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को आप डिफ्रेंशिएट करके भी चाहें तो कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं पता है तो शायद प्रॉब्लम होगी। वैसे मेरे हिसाब से इतना डिफरेंशिएशन हर बच्चे को आता है, तो अपना स्टार्ट करिए पहले। तो बच्चों यहां पे जो भी लॉग लिखा हुआ है अंडरस्टूड है कि उसका बेस ई है, तभी हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में लॉग का बेस ई होना बहुत ही कंपलसरी है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है।
तो log 3 plus x क्या होगा बच्चों, ln u का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 upon u, और 3 plus x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 का 0 होगा, x का 1 होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes sir। अगेन बच्चों log 3 minus x चेन रूल से करेंगे तो log u का 1 upon u होगा, और 3 minus x का करेंगे तो 3 का 0 minus x का minus 1 होगा, तो minus minus plus 1 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर में x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। और बच्चों अगर आप x की वैल्यू डायरेक्टली अब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर भी अगर 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आता है तो आप फिर से एल लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, मतलब ऊपर और नीचे आप पुनः दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहां बच्चों ऐसा होगा नहीं, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये दोबारा डिफरेंशिएट हो नहीं सकता है, यहीं पे सॉल्व हो जाना चाहिए इसको। तो लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0, एलसीएम में क्या आएगा बच्चों 3 प्लस x 3 माइनस x, तो ऊपर हो गया 3 माइनस x 3 प्लस x, माइनस x से प्लस x कैंसिल हो गया, ये हो गया लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0 9 अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर। क्या तक समझ में आ गया? अब हम एक्स के लिए, यस बेटा 6 अपॉन 9 माइनस x कितना है 6 है वो, अच्छा यहाँ पे बच्चों 6 है, ओके ओके। अब बच्चों आप x की जगह 0 पुट कर दीजिए तो 6/9 हो गया, तो 6/9 इज 3 2 6 3 3 9, आंसर इज 2/3। तो बच्चों देखा किस तरह से आपने एल हॉस्पिटल रूल या जिसको आप लॉपिटल रूल जो भी आप बोलना चाहें आपने यूज किया और क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। और बच्चों अगर आप लॉपिटल यूज रूल यूज करना सीख जाते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि आपको सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वर्किंग करनी है, आपको अपने स्कूल में वर्किंग नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2/3 आ गया है। और बच्चों अगर इस क्वेश्चन को अगर आप किसी ऑल्टरनेटिव मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, लिमिट एक्सटेंडेड टूवर्ड जीरो, ये हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, ये होता है लॉग ए अपॉन बी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी अपॉन एक्स, इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा। क्या ये फॉर्म समझ में आया सबको, मैंने किस तरह से लिखा, लॉग की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज करी है। yes, sir. ओके बच्चों जस्ट वेट करो अभी थोड़ा सा। तो कैसे करेंगे ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड करने से ये क्या करेंगे आप, इसमें आपने कहा सर जो स्टैंडर्ड है उसमें 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो सर 1 प्लस एक्स ये हमको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने प्लस 1 और माइनस 1, हमने क्या किया इसमें प्लस 1 और माइनस 1 को इस क्वेश्चन में एडजस्ट कर दिया। अगर ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे क्वेश्चन को प्लस 1 और माइनस 1 से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो कहोगे सर आप क्यों कर रहे हैं, तो हमने कहा बेटा वो एडजस्टमेंट हमको ऊपर से पता पड़ रहा है जो स्टैंडर्ड है। ध्यान से देखो स्टैंडर्ड में लिखा है 1 प्लस एक्स लिखा है ना, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 करके प्लस 1 को अपियर करा है। अब आगे समझ में, ये देखो बच्चों ये प्लस 1 को मैंने अपियर करा है, और ये बच्चों अब जो फाइनली आपके पास बचा है
वो उसको आपको लिखना पड़ेगा, तो उसको आप जरा जल्दी से लिखिए क्या आ रहा है वो। ये आ रहा है आपका 3 + x / 3 - x - 1 / x। तो बच्चों मैंने कलर चेंज करके लिखा है, जरा ध्यान से देखिए, एडजस्टमेंट समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये है 3 + x - 3 + x / 3 - x / x। बच्चों ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 2x / 3 - x। हालांकि बच्चों इस तरह से क्वेश्चन करना नहीं होता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर ऑल्टरनेटिव मेथड आपको जनरेट करना हो तो ऑल्टरनेटिव मेथड को जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे, तो वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यस, तो बच्चों इस तरह से मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है? क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आपको क्लियर हो गया तो आपका फॉर्म यहाँ पे स्टैंडर्ड लगेगा। चेक करो, ये 1 + x, x की जगह ये बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? अब चेक करो क्या x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है? ओके, यस सर, x 0 डालेंगे तो 2 × 0 = 0 हो जाएगा। तो अगर ऊपर 1 + x है तो नीचे भी होना चाहिए, तो नीचे भी बच्चों क्या करोगे, उसको आप अपियर कराओगे, यानी कि 2x / 3 - x से क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर ये करोगे नहीं तब तक आपका स्टैंडर्ड लग नहीं पाएगा। स्टैंडर्ड क्या होता है? ln 1 + x / x। देखो लगते हुए नजर आ रहा है, ln 1 + x / x नजर आ रहा है सबको? यस सर। अब ध्यान से देखो, ये x से x ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ आपके पास बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, 2 / 3 - x, और x अगर आप इसमें 0 पुट कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखें कि मैंने बिना लॉपिटल रूल को यूज किए भी इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर दिया, आपको जो स्टैंडर्ड बताया था उसको यूज करते हुए। तो स्टैंडर्ड क्या था बच्चों? ये था आपका स्टैंडर्ड, मैंने फिर से आपको हाईलाइट कर दिया। और अगर आप लॉपिटल रूल यूज करते हो तो भी क्वेश्चन हो जा रहा है, लेकिन लॉपिटल रूल से आपने अभी जस्टिफाई किया कि जल्दी हो गया, ठीक है? ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। जरा क्वेश्चन नंबर 3, ये तो काफी छोटा सा क्वेश्चन है, जरा सब लोग आंसर एक साथ बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 एंड एक और क्वेश्चन ले लें साथ में, चलो एक साथ नहीं लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ही लेते हैं। ओके, रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3? तो बच्चों मेरे पास जेई मेंस के सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व है, तो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप उनको देख सकते हैं टाइम मिलने पे। यस बच्चों, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, जरा आप इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। एनीवन? 9/14। यस, तो बच्चों ये 0/0 फॉर्म जा रहा है, आप चाहे एल हॉस्पिटल रूल लगा के कर लीजिए, चाहे डायरेक्टली कर लीजिए। स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था ना, x की पावर n माइनस a की पावर n, n की जगह क्या है, 9, क्या है यहां पर 14। तो बच्चों अगर आप स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड यूज करने के लिए लिखना पड़ेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1 x / n - a / n / x - a होल डिवाइडेड बाय x / n - a / n / x - a। तो बच्चों आपने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, x - 1 से, क्लियर है? तो ऊपर वाले का आंसर क्या होता है, n a n - 1, यानी n × 1 की पावर 9 - 1, यानी 1 की पावर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, 9/40 आंसर इज
9/14. Answer is 9/14. Next question, bacho. Question number 4. Question number 4. करना स्टार्ट करिए जल्दी से, बताइए क्या आएगा. तो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से अप्लाई कर दीजिए जितनी आप जानते हैं. टेन एक्स को लिख दीजिएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये बच्चों आपका साइन एक्स है और नीचे एक्स क्यूब है, ठीक है. उसके बाद ये बच्चों हो गया, ऊपर से आप साइन एक्स कॉमन ले लीजिए. साइन एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1/cos x - 1 होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब. उसके बाद हो गया बच्चों ये लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स, और ये हो गया बच्चों 1 - cos x / cos x और नीचे है बच्चों एक्स क्यूब. मेरे ख्याल से यहां पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के स्टेप्स अभी तक लगे. अब ये हो गया लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड 0. बच्चों साइन एक्स को देख करके मन में खुशी आती है तो हम साइन एक्स को एक एक्स तो दे ही दे देते हैं क्योंकि नीचे तीन तीन एक्स है. और अभी बच्चों थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 - cos x / x2, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, हाफ आता है, 1/2. क्या याद है सबको? तो बच्चों ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, 1 की तरफ. ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, हाफ की तरफ, क्योंकि 1 - cos x / x2 को सॉल्व करने के लिए आपको बताया था cos x का फॉर्मूला आप यूज करते हैं. मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूरा सॉल्व करके बताया है, लेकिन जिन्होंने छूट गया है तो वो दोबारा वीडियो देख करके अपने रिवाइज कर लेंगे. और 1/cos x, अगर x 0 होगा तो cos 0 1 हो जाएगा, तो 1/1 तो 1 ही होता है. तो आपने चेक किया, इसका आंसर बिल्कुल आपने सही बताया था, आंसर इज 1/2. आंसर इज 1/2, क्योंकि ये बच्चों 1 हो गया, ये आपका 1/2 हो गया और ये भी 1 है, तो 1 × 1/2 × 1, दैट मींस 1/2. तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है. ओके, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो गया. और बच्चों अगर फोर्थ क्वेश्चन हो गया तो आप फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं. स्टार्ट करिए विद द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन के साथ बच्चों स्टार्ट करिए वर्किंग. तो बच्चों ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट कर दिया आपने वर्किंग. पहले चेक कर लीजिएगा, अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, और अगर आप जनरल मेथड से करना चाहें तो भी कर सकते हैं. सबसे पहले आप जितनी ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं वो सारी लगा दीजिए. मतलब साइन टू एक्स को लिख दीजिएगा 2 sin x cos x,
होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। फिर ये लिखा है लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो, आप क्या करिएगा, टू साइन x देखिए कॉमन है, टू साइन x कॉमन ले लीजिएगा, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस कॉस x, और नीचे बचो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को आप ब्रेक करना आप समझ गए हैं, साइन x को x दे देते हैं, वन माइनस कॉस टू एक्स हो, वन माइनस कॉस फोर एक्स हो, वन माइनस कॉस एक्स हो, उसको एक्स स्क्वायर दे देते हैं। तो बच्चों ये वैल्यू आपकी बन गई वन, और ये वैल्यू बन गई वन बाय टू, ठीक है, तो आंसर क्या आया, वन, वन, टू इंटू वन बाय टू, दैट मींस वन। तो बच्चों आपने देखा कि हमने लॉपिटल रूल यूज भी नहीं किया, तो भी क्वेश्चन काफी सारी स्टेज में सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने पर भी हो रहे। तो क्वेश्चन नंबर फाइव बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद अगेन आपके पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए बच्चों, मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, जस्ट वेट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, सब लोग इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर सिक्स को ट्राई करना स्टार्ट करिए जल्दी से। आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर, वैसे तो मेरे पास यहाँ पे टू लिखा हुआ है, क्या है, टू आ रहा है, यस सर। तो ठीक है बच्चों हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बच्चों लिमिट एक स्टैंडिंग टूवर्ड्स जीरो, आपको बच्चों ये देख के बिल्कुल खुशी हो रही होगी कि यहाँ पे वन माइनस कॉस टू एक्स, तो वन माइनस कॉस टू एक्स है तो उससे तुम्हें क्या देना पड़ता है, एक्स स्क्वायर देना ही पड़ता है। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो है नहीं, आपने जबरदस्ती कैसे डाल दिया। तो हमने कहा बेटा वहां पे x तो है ना, लेकिन तो हमने कहा ठीक है हम एक्स स्क्वायर ना मल्टीप्लाई करके एक x ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो तुम कहोगे सर अगर आपने x मल्टीप्लाई किया तो x से डिवाइड भी करिए। तो देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला x आपको ये नजर आ रहा है, बस हमने इसी को इंट्रोड्यूस किया है और इसी को एडजस्ट कर देंगे और आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। साथ में बच्चों थ्री प्लस कॉस एक्स है, तो बच्चों अब स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिख देते हैं हम इस क्वेश्चन को फाइनली। दिस इज लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगेन थ्री प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या है बच्चों, नीचे है टैन फोर एक्स अपॉन एक्स। तो बच्चों यहां पे मैंने फोर से मल्टीप्लाई, फोर से डिवाइड कर दिया। अब चेक करो बच्चों जल्दी से बताओ वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको इवैल्यूएट करके बताई थी, इसकी वैल्यू होती है टू, क्या होती है टू, याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले इवैल्यूएट करके बताई थी। अगर जिन बच्चों को नहीं याद है वो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू बच्चों हो गई वन, ठीक है, तो बच्चों मैं डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको मिला टू, और थ्री प्लस कॉस एक्स, एक्स की जगह आपने जीरो डाला तो कॉस जीरो वन हो गया, थ्री प्लस वन हो गया फोर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय फोर, क्योंकि टेन फोर एक्स अपॉन फोर एक्स वो भी वन हो गया, तो फोर से फोर कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर बचा है सिर्फ टू, टू इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सबको क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर, यस सर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं अभी आपसे थोड़े से और भी प्रश्न करवाने वाला हूं, तो उन प्रश्नों पे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए
तो स्टार्ट करते हैं. ओके, चलो पहले ये वाले कर लो. नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. चलिए बच्चों, अब आपको अगर बहुत सारी लिमिट्स आ चुकी है तो आप ये दोनों क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं. नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट स्टार्ट करिए करना. तो बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल चुके होंगे. किसी का निकाला आंसर? यस सर. नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर इसमें जो लिखा है मेरे रिकॉर्ड में 1/2 है और सेकंड पार्ट का आंसर है 4/3. यस सर. 1/2 एंड 4/3, क्या मेरे को ये क्वेश्चन बताना है? सर आ गया. आ गया सबका? आ गया. कितने बच्चे बैठे हैं क्लास में? सर सेकंड पार्ट. सेकंड वाला पार्ट मैं डिस्कस कर देता हूँ. ठीक है, मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ. ओके, और किसी से? चलो मैं डिस्कस कर ही देता हूँ, नो प्रॉब्लम. मैं दोनों ही कर देता हूँ. चलो फर्स्ट पार्ट. इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ. जरा फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए पहले. लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स जीरो, तो ये हो गया एक्स स्टैंड टू एक्स. तो अगर हम यहां पे एक्स दे दें और यहां पे भी एक्स दे दें, माइनस टू एक्स टैन एक्स, यहां पे भी एक्स दे दें और यहां पे भी एक्स दे दें, और वन माइनस कॉस टू एक्स, ठीक है, और यहां पे भी एक्स दे दें, तो आप लोग ने क्वेश्चन इस तरह से किया है. क्या स्ट्रेटेजी थी आप लोग के क्वेश्चन के करने की? ओके, किसी ने किया है क्वेश्चन तो मेरे को रिस्पॉन्ड करे जरा. किसी ने किया है क्वेश्चन? कैसे किया है आप लोग ने, बताइए. ओके, आप लोग ने तो कहा था फर्स्ट पार्ट किया है, लेकिन किया कैसे कुछ बताओ. तो सेकेंड पार्ट कैसे किया है फिर? सर 10a प्लस 10b कर दिया था, 10 2x. tan 2x को क्या लिख दिया? tan x प्लस x लिख दिया. जैसे 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x. अच्छा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, उसको यूज कर दिया. ठीक है, उसको भी यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो हम आपकी स्ट्रेटेजी से भी कर सकते हैं. और राइट हैंड साइड वाला करने के लिए तो कुछ खास है ही नहीं. उसमें तो आपको डायरेक्टली cos c माइनस cos d यूज करना है. तो cos c माइनस cos d होता है माइनस टू साइन c प्लस d बाई टू, यानी कि 7x प्लस 9x 16x, 16x बाई टू यानी कि 8x, माइनस टू साइन c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू यानी कि 7x माइनस 9x माइनस 2x अपॉन 2, दैट मीन्स माइनस x, और बाहर माइनस है तो माइनस बाहर निकल आएगा और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा. तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करने के लिए मैंने ये स्टैंडर्ड यूज किया है. दिस इज cos c माइनस cos d विच इज इक्वल टू, मैं स्टैंडर्ड को यहां पे शिफ्ट करके लिख देता हूं. cos c माइनस cos d जो होता है वो होता है माइनस टू साइन c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू. इस स्टैंडर्ड को मुझे जस्ट मैंने अभी ऊपर अप्लाई किया, दोबारा फिर से अप्लाई करता हूं. जरा देखो, डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d, दिस इज माइनस टू साइन c प्लस d बाई टू, यानी x प्लस 5x बाई टू यानी कि 6x बाई टू 3x, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू यानी कि एक्स माइनस फाइव एक्स, एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स बाई टू, माइनस टू एक्स और माइनस बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स. तो ये है बच्चों, क्या ये सभी ने इस तरह से अप्लाई किया है? फॉर्मूला आपने स्टैंडर्ड अप्लाई किया होगा तभी क्वेश्चन का आंसर निकलेगा. जैसे हो गया.
अब बच्चों देखो ध्यान से, आपके पास क्या बना है, ऊपर लिखा है साइन एट एक्स और यहां लिखा है साइन एक्स, फिर से मैंने एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और बच्चों आपने फिर डिनोमिनेटर पे भी यही सेम काम किया है, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड, ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी आपने फिर से यूज की, ऊपर नीचे हमने एक्स से डिवाइड कर दिया, ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, अब मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगा, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये वैल्यू बच्चों 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई और ये भी 1 हो गई, तो जो वैल्यूज 1 1 है वो आपको समझ में आ गई होंगी, तो आंसर आ गया 4/3। किसी का आया था आंसर 4/3? यस सर। ओके गुड, तो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपने बताया कि सर हम लोग इस तरह से नहीं कर रहे हैं, तो हम आपके मेथड से भी देखते हैं जरा क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। आपने कहा कि सर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया था कि टैन 2x का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 tan x अपॉन 1 - tan²x, ओके, माइनस 2x tan x, यही हुआ होल डिवाइडेड बाय 1 - cos 2x का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, क्या कॉमन लेंगे बच्चों, ऊपर से 2x tan x कॉमन ले लेंगे, और 2x tan x कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा, 1 upon 1 - tan²x। तो बच्चों हम उसका डायरेक्टली एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 1 + tan²x होल डिवाइडेड बाय 1 - tan²x। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है अच्छे से, और डिनोमिनेटर में लिखा है 1 - cos 2x का होल स्क्वायर, आपने यही स्ट्रेटेजी बताई थी हमको करने के लिए, मैं उसी स्ट्रेटेजी से कर रहा हूं, तो आपको फाइनली यहां कुछ ना कुछ बताना भी पड़ेगा। ये हो गया 2x tan x into tan²x, दैट मीन्स 10³x होल डिवाइडेड बाय 1 - cos 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 - tan²x, ये क्वेश्चन बन गया। तो बच्चों फाइनली यहां पर अब क्वेश्चन होते हुए नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना, तो कैसे नजर आया क्वेश्चन होते हुए, आपने कहा कि सर ऊपर नीचे हमने x की पावर 4 से डिवाइड किया, ये देखो x की पावर 4 का एक x तो यहां एडजस्ट हो गया, और tan क्यूब x में मैंने x क्यूब एडजस्ट कर दिया, ठीक है, और अगर कम समझ में आया तो हम इसको फॉर्म में ही लिख देते हैं सीधा सीधा tan x अपॉन x का होल क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में देखो 1 - cos 2x अपॉन x स्क्वायर, यहां मैंने x की पावर 4 को यहां एडजस्ट कर दिया, और ये एज इट इज यहां पे पढ़ा हुआ है, क्या यहां तक के कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, तो ये वैल्यू बच्चों क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई 1, समझ में आया, ये x से x कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू बच्चों क्या हो गई 2, आ गया फिर से नेट आ गया, ठीक है कोई बात नहीं,
आ गया, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कौन सा अटैच है? देखो जरा नेट कौन सा अटैच है, ये वाला अटैच है, 5G वाला है। Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं खुद से? क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर 8th कौन सा बच्चा कर सकता है? कौन बताएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8th का? क्वेश्चन नंबर 8th आंसर, एनीवन? सर 8000, 4000। कैसे आया बेटा आंसर इसका? सर साइन इनवर्स x अपॉन x विल बी 1 and 10x upon x will be 1. If we take a greatest integer function of 2000, then it will be 2000 only. So 2000 plus 2000, 4000. Okay, good. तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ क्वेश्चन डराने के लिए दिया गया है। Yes, sir. तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो उसमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जस्ट वेट एक मिनट, दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। तो बच्चों आप लोग ने बिल्कुल सही बताया कि इस क्वेश्चन को करने के लिए साइन इनवर्स x अपॉन x जो है 1 की तरफ अप्रोच करेगा, तो उसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2000 प्लस 2000, दिस इज इक्वल टू 4000। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, तो इन क्वेश्चंस में ऐसा कोई घबराने की बात नहीं थी। ठीक है बच्चों, मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस भी पूछता हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 करना है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आ गया। और ये पार्टीशन भी मैंने कर दिया, एक जगह दोनों तरफ करिए। स्टार्ट किया करना क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1, सेकंड पार्ट का आंसर है 3/2। कैसे किया? सो e की पावर x से कर देंगे डिवाइड, तो हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा, e की पावर x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और सेकंड वाला बेटा वो भी बता देना। Yes, the one. Okay. Second वाला भी start नहीं करना। तब तक हम first वाला complete करते हैं। So second वाले में plus one और minus one कर देंगे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपके पास आइडिया है, उससे भी कर सकते हैं। तो e की पावर x से
आपने बताया कि सर इसको डिवाइड कर देते हैं, ये e की पावर x, तो आपने शायद इस तरह से हमको बताया है करने के लिए, जरा चेक करते हैं। क्या इस तरह से बताया आपने वर्किंग करने के लिए, ये पावर एक्स से डिवाइड करना है? यस सर। ओके, तो इसका एडजस्टमेंट देखते हैं ये कैसे हो रहा है कि नहीं भी हो रहा है। तो ये e की पावर टेन एक्स और ये e की पावर एक्स ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स होगा, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो टेन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद माइनस वन होल डिवाइडेड बाय टेन एक्स माइनस एक्स और ये e की पावर x जो था उसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो ये फॉर्म तो अभी क्रिएट नहीं हुआ है, थोड़ी सी फॉर्म में प्रॉब्लम है। आपने आंसर कैसे निकाला है ये चेक करिए अभी। सर e की पावर t माइनस वन अपॉन t, ये वन होता है तो e की पावर जीरो वन होगा, तो ओके गुड। तो आपने स्टैंडर्ड यूज किया, आपने स्टैंडर्ड यूज किया है कि लिमिट, मैं स्टैंडर्ड भी आपको बताता हूँ आप कैसे लिमिट, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। आपने स्टैंडर्ड यूज किया है लिमिट x standing towards 0, e की पावर x माइनस वन अपॉन x, ये 1 होता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड लगा तभी सकते हैं जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है। तो पहले आप जरूर ये चेक कर लेना क्या ये x को 0 डालने पर 0 की तरफ अप्रोच करता है। यस सर बिल्कुल करता है, क्योंकि 10 0 0 होता है और 0 माइनस 0 0 ही होगा। तो सर ये जो फॉर्म है पूरा, यानी कि ये वैल्यू जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, ये वैल्यू पूरी एक साथ क्या हो जाएगी, 1, और e की पावर 0 भी क्या होगा, 1। तो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, आंसर इज 1। यस गुड वर्किंग, इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। 3/2 सर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे किया है ये भी चेक कर लेते हैं। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। नहीं आया? नो सर। माइनस वन प्लस वन, कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं बेटा। माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैंने आप ही की स्ट्रेटेजी यूज की, आपने कहा सर माइनस वन प्लस वन एक बार यूज करिए, तो वही मैंने लिख दिया है। उसके बाद ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इस तरह से ब्रेक कर। तो अब आपको ये लग रहा होगा फाइनली यहां पर कि x अगर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो एक्स स्क्वायर भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये फॉर्म बन गया e की पावर x माइनस वन अपॉन x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये वैल्यू तो आप पहले से जानते हो क्योंकि आप उसको रट चुके हो कि इसका आंसर हाफ होता है, और अगर इसका आंसर हाफ होता है तो 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा 3/2। चेक करिए हो गया क्या, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह से किया? यस सर। ओके।